हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का। बहुत ही इजी वे से मैं आपको बनाना बताऊंगी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा। तो उसके लिए मैंने ये दो चिकन लेग्स लिए हैं, इसमें से बीच में मैंने कट लगा लिया है। तो अब हम एक डीप बॉल लेंगे, उसमें हम इसके मैरिनेट करने के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो ये डीप बॉल ले लिया है, इसमें हम ये दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने बीट करके रखा है। चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे, ये रेडीमेड मसाला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बनाना बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धनिया पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, नमक ऐड करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फॉर्क की हेल्प से सबको मिक्स करेंगे। तो ये मसाला हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हमारे चिकन लेग्स जो हैं वो हम इसमें मसाले में डाल देंगे और हाथों की हेल्प से मसाला इनमें लगा लेंगे। कट्स के अंदर भी हमने इसमें अच्छे से लगाना है मसाला। चीज़ों की क्वांटिटी का रेशियो जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रखा है मैंने, मगर अगर आप लोग कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब अपने हिसाब से मिर्चें कम ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो कर सकते हैं, मगर मैंने जो रेशियो रखा है चीज़ों का वो बिल्कुल परफेक्ट है। तो अच्छे से मसाला हमने इस पर लगा कर इसको 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। तो ये मसाला इस पर अच्छे से कोट हो गया है, अब आप इसको कवर करके 2 घंटे के लिए छोड़ दें। 2 घंटे तक हमने हमारे टिक्कों को मैरिनेट कर लिया है, तो अब हम उनको पकाएंगे। तो ये ऑयल मैंने गरम करने के लिए पैन में रख दिया है, फ्लेम मैंने मीडियम रखी है। अब इसमें हम हमारे टिक्कों को डाल देंगे। और इसका भी एक साइड हम कुक होने देंगे 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे। बचा हुआ जो मसाला है आप चाहें तो इसके ऊपर चम्मच से डाल सकते हैं, अगर आपको कहीं से हटा हुआ लग रहा है तो। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, 5 मिनट तक हम इसका एक साइड कुक करेंगे। उसके बाद इसको टर्न करके दूसरा साइड भी इसका 5 मिनट तक कुक करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, साइड चेंज करेंगे। इतने कितना परफेक्टली कुक हो रहे हैं हमारे टिक्के। इसके दूसरे साइड को भी 5 मिनट तक कुक कर लेंगे। तो ये हमारे टिक्के जो हैं बनकर रेडी हो गए हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, अब हम इसको कोयले पे स्मोक देंगे। तो एक प्याली रख देंगे और इसमें हम रख देंगे कोयला, और इस पर हम डालेंगे 2 से 3 कप ऑयल या फिर घी की। इसको कवर कर देंगे, 5 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, कवर हटाएंगे और अब इसको हम जो है हमने प्याली रखी थी वो हटा लेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से टिक्के बनकर रेडी हो गए हैं, अब हम इसको सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारे मज़ेदार से चिकन टिक्का रेडी हो गए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।